नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पहले बसपा प्रमुख ने एक ऐसा बयान दिया, एक ऐसा फैसला लिया जिसकी चर्चा चारों तरफ होने लगी। पहले उन्होंने कहा कि वो किसी भी बाहुबली को टिकट नहीं देंगे, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसे पैरामीटर सेट किए हैं कि उनके उम्मीदवार भी एक बार को जरूर सोचेंगे कि इस बार पार्टी में कुछ बड़ा बदलाव हुआ है। दरअसल मायावती की ओर से इस बार एक क्वेश्चनार तैयार किया गया है, यानी इस क्वेश्चनार में जब जो कैंडिडेट है वो खुद को प्रूव कर पाएगा कि वो काबिल है, तब जाकर उसको टिकट मिलेगा। यानी स्ट्रेटेजी इस बार कुछ ऐसी है कि टिकट इस बार यूं ही नहीं मिल जाएगा, टिकट के लिए इस बार थोड़े पापड़ बेलने पड़ेंगे। आपने सिर्फ अप्लाई कर दिया, अपनी उम्मीदवारी आपने सिर्फ लगा दी, इससे काम नहीं चलेगा, बल्कि इस बार इंटरव्यू खुद बसपा प्रमुख मायावती लेंगी। यानी कि मायावती के समक्ष बैठकर चार सवालों के जवाब देने होंगे और ये चार लेवल के जो जवाब होंगे इसके बाद तय होगा कि क्या वो काबिल हैं बसपा के टिकट के या फिर नहीं। 2022 के चुनाव में इसी स्ट्रेटेजी के साथ में बसपा सुप्रीमो मायावती आगे बढ़ने वाली हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर दरअसल जो चार लेवल तैयार किए गए हैं, जिन चार लेवल को पार करते हुए कैंडिडेट को टिकट मिलेगा, उस चार लेवल में पहला लेवल ये आता है कि जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है पहले उसे अपने पॉलिटिकल करियर और इमेज के साथ में तैयार रहना होगा, एक बकायदा फाइल तैयार करनी होगी और मायावती के इस फर्स्ट राउंड में उन्हें अपनी इमेज, उनकी कैसी पॉलिटिकल इमेज है और उनका पॉलिटिकल करियर अभी तक क्या रहा है, यानी कि एक इंट्रोडक्शन के तौर पर, जैसा कि बड़ी बड़ी एमएनसीज में आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो कुछ ऐसा ही होता है, कुछ ऐसा ही इंटरव्यू का प्रोसेस मायावती के साथ बैठकर भी इस बार चलने वाला है उनके कैंडिडेट के लिए जो दावेदारी कर रहे हैं उनको। देखिए, पहला उनका जो लेवल होगा ये होगा, अगर वो कैंडिडेट उस लेवल को पार कर पाता है तो फिर आएगा सेकंड लेवल। इस सेकंड लेवल के दौरान में दरअसल उससे ये पूछा जाएगा कि आप अपने एरिया के बारे में जानते क्या है, उनका मूड क्या है, उनके बारे में आप कितना ज्ञान रखते हैं। सेकंड लेवल जो सेकंड राउंड जो रहेगा, इस दौरान में इन तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। अगर सेकंड राउंड में सेटिस्फेक्ट्री जवाब सुप्रीमो मायावती को लगते हैं तो ऐसे में उनको सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड में एंट्री दी जाएगी। थर्ड राउंड की जब बारी आएगी तो इस थर्ड राउंड के दौरान में जो कैंडिडेट बैठा होगा सामने, इस थर्ड राउंड के दौरान में उसको ये जवाब देना होगा कि उसके अपने इलाके के अंदर कौन कौन से उम्मीदवार हैं, यानी कौन कौन से दावेदार हैं, यानी इसका मकसद साफ है कि उनके उस एरिया के अंदर, उस विधानसभा के अंदर कौन कौन सी पार्टी के कौन कौन सी कैंडिडेट हैं जो स्ट्रांग हैं, और ये जानकारी दी जाएगी। और अगर यहां पर इस राउंड में सेटिस्फेक्ट्री जवाब लगता है तो फोर्थ राउंड की बारी आएगी। अब आप सोच रहे हो कि इस फोर्थ राउंड में अब क्या होगा? देखिए, फोर्थ राउंड में आपको अपनी काबिलियत साबित करनी है। जी हाँ, जो बसपा प्रमुख मायावती ने पूरा का पूरा ये फोर लेवल वाला इंटरव्यू रेडी किया है, इस फोर लेवल वाले इंटरव्यू के फोर्थ राउंड के दौरान में आपको अपनी काबिलियत साबित करनी होगी। आपको ये बताना होगा कि आपको आपके इलाके से कैंडिडेट बनाया क्यों जाए। अगर इस पर सेटिस्फेक्ट्री जवाब दिया जाता है तो आप बसपा के कैंडिडेट होंगे, और अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो बसपा से आपको टिकट नहीं मिलने वाली है। आप इस बात से बखूबी ये समझ रहे होंगे कि इस बार बसपा सुप्रीमो की ओर से क्या स्ट्रेटजी बनाई जा रही है और किस तरीके से काम किया जा रहा है। ये फोर राउंड का इंटरव्यू पार करने के बाद में ही बसपा का टिकट हासिल होगा। इस स्ट्रेटजी के साथ में बसपा सुप्रीमो अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाहती है, यानी वो ये दिखाना चाहती है कि बहुत ही क्रीमी लेयर, उनकी पार्टी का क्रीमी लेयर और जो मेहनतकश उम्मीदवार है, टिकट उन्हीं को ही दी जाएगी। इसके अलावा आपको एक और खास बात बता दें कि 2022 को लेकर अखिलेश यादव ने यह दावा कर दिया है कि इस बार हो सकता है कि जनता उनको 400 सीटें भी दिला दे।